बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हम उसमें एडवर्ब फ्रेज करेंगे। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एन एडवर्ब। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। इट टेल्स अस how, where, when, how much and with what frequency। तो ये हमें जो एडवर्ब होता है वो एडवर्ब को, वर्ब को या नाउन को डिस्क्राइब करता है, कैसे, कहाँ, किस तरह से कोई काम हुआ, कितनी दफ़ा हुआ। और एडवर्ब फ्रेज जो है, इट इज़ सिंपली अ ग्रुप ऑफ टू आर मोर वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। एडवर्ब फ्रेज जो है वो दो वर्ड्स या उससे ज़्यादा पर मुश्तमिल होती है, जो काम वही करती है जो एक एडवर्ब करता है। जैसे अली रैन क्विकली, अली तेज़ी से भागा, क्विकली जो है वो एक एडवर्ब है। अली रैन एट अ ग्रेट स्पीड, तो बहुत ज़्यादा स्पीड से भागा, तो इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। रिप्लेस एडवर्ब बाय एडवर्ब फ्रेज, तो आज हमने रिप्लेस करना है एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज से। तो प्यारे बच्चों, साथ अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स से तब्दील करते जाएं। जैसे कोई भी नया काम शुरू करने से पहले कहें आई कैन, कैन नॉट को छोड़ दें। इसी तरह कचरे को डस्टबिन में डालने की आदत डालें, क्योंकि जब तक हम अपने हाथ को कचरा फेंकने से रोकते नहीं हैं, हम अपने घर को, अपने मुल्क को साफ नहीं रख सकते। इसी तरह लाइज़ को ट्रुथ से बदल लें, झूठ बोलना छोड़ दें मजाक में भी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम है कि सच बोलने वाला जन्नत सीधे रास्ते में पड़ जाता है और सीधा रास्ता जन्नत की तरफ ले जाता है। इसी तरह आई एम अलोन, ये फीलिंग अगर आपके अंदर आती है कि मैं क्यों आ गया हूँ इस दुनिया में, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो ये गलत फीलिंग है, क्योंकि आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, आपके साथ अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह ही एक ऐसी हस्ती है जो हर वक्त आपके साथ है। यू नेवर अलोन बिकॉज अल्लाह इज़ ऑलवेज विद यू, क्योंकि हम सब के साथ दिन के हर हर सेकंड 24 घंटे में अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन इस फीलिंग को हम महसूस कैसे करें, अगर हम अल्लाह की किताब को पढ़ें, तो आज से अल्लाह की किताब को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू करें, ताकि आपको पता चले आपका अल्लाह कैसा है, जिसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है, जो हर चीज़ का मालिक है। द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली, पिजन कहते हैं कबूतर को, स्विफ्टली बहुत तेज़ी से उड़ता है। द पिजन फ्लाइज एट अ फास्ट स्पीड, वो तेज़ रफ्तारी से उड़ता है। ही बिल्ट हिज हाउस देयर, उसने अपना घर यहाँ पे तामीर किया। ही बिल्ट हिज हाउस एट दैट प्लेस, उसने इस जगह पे अपना घर तामीर किया। फिर है ही ट्राइड हार्ड, उसने अपनी बहुत कोशिश की एग्ज़ाम पास करने के लिए। ही ट्राइड विद अ ग्रेट डील, उसने अपनी हर तरह से अपनी बहुत कोशिश की। फिर है ही स्पोक एलिक्वेंटली, एलिक्वेंटली कहते हैं बहुत अच्छी तरह कमांड के साथ बोलना। ही स्पोक इन फुल फ्लो, उसको बोलने में बहुत फ्लुएंटली वो बोला, बहुत आराम से। डिड सारा बिहेव वेल, क्या सारा ने अच्छी तरह बिहेव किया। तो डिड सारा बिहेव इन अ गुड वे, तो हम सबको अच्छे मैनर्स अपनाने की ज़रूरत है कि हम कचरा हमेशा डस्टबिन में फेंकें। अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें हम एडवर्ब फ्रेज को इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपने खुद नए भी बना सकते हैं। मैंने 3 सेंटेंसेस आपके लिए बनाए हैं। दिस ट्रेन रन्स विद फास्ट स्पीड, ये ट्रेन जो है बहुत तेज़ स्पीड के साथ जा रही है। आई विल सिट इन साइलेंस, आई विल सिट क्वाइटली की बजाय मैंने कहा सिट इन साइलेंस। वी शुड बिल्ड हाउस एट दिस प्लेस, तो उम्मीद है आपको सबक की समझ आई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।